जय श्री राम दोस्तों, मैं श्याम जी मौर्या एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप लोगों का अयोध्या ब्लॉग में। दोस्तों आज हम इतिहास के उस पन्ने पर खड़े हैं जिसे सदियों युगों युगों तक नहीं भुलाया जा सकता। आज हम अयोध्या की पावन धरती पर खड़े हैं और आज 22 जनवरी 2024 को इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज के हम दिन को आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये है अयोध्या का लता मंगेशकर चौक जो कि एक चौराहा भी है और यहाँ से अयोध्या में जो भी नेता सेलिब्रिटी मंत्री लोग आए थे यहाँ से उनकी गाड़ियाँ पास होती हैं, तो इसलिए इन जगहों को दोस्तों कितना सुरक्षित किया गया है। जगह जगह पर दोस्तों पुलिस है और दोस्तों यह है अयोध्या की राम पैड़ी, यह शाम करना जा रहा दोस्तों। ये श्री राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी की प्रतिमा को भोपाल से लाए ये भाई लोग, ये सब लोग। अयोध्या का दीपोत्सव कार्य चालू हो चुका है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग इसमें शामिल हुए हैं। दोस्तों आज एक ऐतिहासिक क्षण, आज हमारे देश में एक दूसरी दिवाली मनाई जा रही है। दोस्तों इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल होकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमें भी दीप जलाने का मौका मिला है। दोस्तों ये एक ऐतिहासिक क्षण है जहां पर 50 लाख दिए जलाकर दीप मनाए जाएंगे। दोस्तों ये सुधीर चौधरी जी हैं जो कि आज तक के एडिटर हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है उन्हें देखने के लिए। हम लोग भी ये देखने के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं कि रिपोर्टर लोग रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तो एक मैम मिलती है। दोस्तों अयोध्या में दीपक कुछ इस तरह से जलाए गए हैं जिससे ज़्यादा समय तक जल सके। अब हम लोग भंडारे का प्रसाद पाते हैं और तृप्त होते हैं। आज अयोध्या, पूरी अयोध्या दिवाली मना रही है और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज के दिन हम लोग अयोध्या में उपस्थित हैं। जय श्री राम यही नारा चारों तरफ है और जगह जगह पर भंडारे का कार्य चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं अमृत महोत्सव में। जी हाँ, ये आप अमृत महोत्सव देख रहे हैं। जय श्री राम, इतना भव्य और इतना सुंदर, आप अंदर की तरफ इसका दृश्य देखें बिल्कुल स्वर्ग, स्वर्ग भी शर्मा जाएगा। क्या नज़ारा है दोस्तों, यही है अमृत महोत्सव। आप देख सकते हैं क्या माहौल है दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के बाद इससे पहले भी ये माहौल था लेकिन आज देखिए आज कितने सब लोग खुश हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। यह है हमारे श्री राम जी की प्रतिमा, आप देख सकते हैं कितने भक्त लोग आए हैं। और दोस्तों यहीं बगल में श्री राम लीला हो रहा है तो हम श्री राम लीला की ओर बढ़ रहे हैं और देख सकते हैं कितने भक्त लोग रामलीला को देखने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ये बड़ा ही भव्य पंडाल है, यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं आप भक्तों को और ये पंडाल और रामलीला का नज़ारा। कम से कम दोस्तों यहाँ पर 5-6 LCD लगे हुए हैं और दोस्तों हम लोग रामलीला देखने के लिए आ चुके हैं और बड़ा ही सुंदर है। तो हम लोगों ने पूरा रामलीला देखा, बड़ा ही सुंदर रामलीला था। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सो चुके हैं, केवल कुछ ही लोग थे जो जग रहे थे और रामलीला दोस्तों बड़ा ही सुंदर था और ये जो भी कलाकार हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और रात के 1:30 बजने वाले हैं और मैंने वीडियो एडिट कर दी है, तो इतने मेहनत पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।